हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। मेरा नाम निकिता है और इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक पॉइंटर्स। सो बेसिक पॉइंटर्स का स्टैटिक एलोकेशन कब होता है, कैसे होता है, एंड ऑल्सो द यूजिंग मेलॉक। ओके, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है वो भी हमें सीखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो पहला जो चीज़ हमें सीखना है, दैट इज देखो, नॉर्मल एक वेरिएबल जब मैं डिक्लेयर करती हूँ अपने प्रोग्राम में, राइट, डिक्लेयर और मैंने उसे असाइन किया वैल्यू इज इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू जब मैं असाइन करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ, तो मेमोरी में क्या होता है, दिस मेमोरी गेट्स एलोकेटेड। इस मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस है उसे नाम दिया जाता है ए। तो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है। तो अब देखो, मैं इस 10 वैल्यू को दो तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। कैसे? यूजिंग दिस वेरिएबल नेम एंड यूजिंग दिस एड्रेस। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है, तो वेरिएबल के थ्रू कैसे एक्सेस करना है ये तो हमें आता है, डायरेक्टली ए नाम दे दो प्रिंट करते टाइम पे और 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यूजिंग दिस एड्रेस कैसे प्रिंट कर दो? ठीक है, तो यूजिंग दिस एड्रेस आपको एक्सेस करना है उस वैल्यू को, तो कंसेप्ट आता है पॉइंटर। ओके, तो ये हुआ अपना पॉइंटर। तो स्टार पीटीआर सबसे पहले लिखते हो आप, पीटीआर इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। पीटीआर इज अ पॉइंटर टू इंटीजर, इसका मतलब मेमोरी में ऐसा एक ब्लॉक अलोकेट होगा, राइट? तो ये इस ब्लॉक में क्या स्टोर होगा? एड्रेस। ऐसे मेमोरी का एड्रेस होगा जहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन से टाइप की है? इंटीजर टाइप की है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इस टाइप से ये पता चलता है कि ये जो एड्रेस स्टोर करने वाला है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसका टाइप, राइट? तो अब इस ब्लॉक का साइज कहाँ से पता चलेगा? सही है ना, इस ब्लॉक का साइज कहाँ से पता चलेगा? तो वो जो है वो डिपेंड होता है आपके कंपाइलर के बिट पे, बिट साइज पे, या फिर आपका बोल सकते हो कंपाइलर का बिट साइज किस पे डिपेंड होता है? सीपीयू के बिट साइज पे। ओके, तो अगर आपका सीपीयू 64 बिट का है तो ये जो ब्लॉक है वो कितने का होगा? ये ब्लॉक होगा आपका 8 बाइट का। अगर आपका सीपीयू 32 बिट का है तो ये ब्लॉक आपका होगा 4 बाइट का। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो फिर ये पॉइंटर जब आप डिक्लेयर करोगे तो ये मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होगा डिपेंडिंग ऑन योर सीपीयू का बिट, 64 है तो 8, 32 है तो 4। फिर उस पॉइंटर को आप एड्रेस कैसे दोगे, राइट? ओके, चल, तो अभी हमें देखना है कि इस पॉइंटर को हम वो एड्रेस कैसे देंगे। तो इंट ए इज इक्वल टू 10 करके हमने ऑलरेडी उस वेरिएबल को मेमोरी दे दिया है, सो दिस इज ऑलरेडी अलोकेटेड मेमोरी। तो अगर आपको इस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में देना है तो आप करोगे एड्रेस ऑफ ए। सो ये ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा। ओके, तो एड्रेस ऑफ ए करके आपने पॉइंटर को वो वैल्यू दे दिया, इसका मतलब इस स्टेटमेंट में दिस ब्लॉक वॉज अलोकेटेड बट इट वॉज एम्प्टी। तो जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा तो उस टाइम पे यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा 100। ओके, तो अभी पॉइंटर इज व्हाट? पॉइंटर इज ऑल्सो अ वेरिएबल बट इट बिहेव्स इन टू डिफरेंट वेज। ओके, सो दो चीज़ें होती हैं, कौन सी? कि पॉइंटर एक वेरिएबल भी है, मतलब सिर्फ नाम लिखोगे तो वो वैल्यू देगा जो वैल्यू उसके पास स्टोर्ड है, लेकिन उसके पास जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू नहीं है, वो है एड्रेस वैल्यू। ओके, तो वो प्रिंट करेगा 100। लेकिन तो दूसरा जो वे है पॉइंटर का वो कौन सा है? दूसरा जो फीचर बोल सकते हो आप। ओके, तो स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर से क्या होगा? पीटीआर बोला तो सिर्फ देगा एड्रेस और उस पर स्टार क्या, मतलब डी रेफरेंस करो, मतलब उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है, राइट? तो आपको स्टार पीटीआर करने से वो वैल्यू मिलेगा एंड दैट इज 10। और एड्रेस ऑफ पीटीआर ये तो अलग ही चीज़ है, ये क्या है? दिस इज इट्स ओन एड्रेस। तो ये जो चीज़ें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल, सिर्फ पीटीआर बोले तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा और स्टार पीटीआर मतलब नॉर्मल वेरिएबल, तो पीटीआर से मिला एड्रेस, मतलब यहाँ पे रिप्लेस होगा 100 और 100 का स्टार जो है वो क्या है? 10 वैल्यू। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। सो यहाँ पे आपने क्या किया है, एक ए वेरिएबल को ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट था और उसका आपने डायरेक्टली एड्रेस दिया है। ओके, तो डायरेक्टली एड्रेस दिया है जो मेमोरी ऑलरेडी एलोकेटेड था, तो इसे आप बोलते हो स्टैटिक एलोकेशन। अगर आपको इस ब्लॉक को डायनेमिकली एलोकेट करना है, मतलब ऐसे वेरिएबल वगैरह यूज़ नहीं करना है, सिर्फ यूजिंग पॉइंटर एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, तो चलो देखते एक बार।
सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि अभी यहाँ पे ये ब्लॉक अलोकेट होगा कब, जब इन स्टार पीटीआर बोलोगे। तो अभी आपको क्या करना है, ये मेमोरी जो है ये ऐसा कुछ तो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? तो आपको सिंपली दिस ब्लॉक को अलोकेट करना है यूजिंग दिस पॉइंटर। तो आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन इस ब्लॉक में जो एड्रेस होना चाहिए, तो ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्लॉक में जो एड्रेस होना चाहिए वो ऑलरेडी मेमोरी अलोकेटेड का एड्रेस होना चाहिए, वैलिड एड्रेस होना चाहिए, तभी आप स्टार पीटीआर करके उस एड्रेस पे का वैल्यू ले पाओगे। ओके, सो अभी हमें डायरेक्टली हम प्रोग्राम से करके देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो स्टैटिक अलोकेशन यूज करके करोगे आप, तो सिंपल ए इज इक्वल टू 10 इन स्टार पीटीआर। तो इसको वैल्यू अगर देना आप डायरेक्टली ऐसे दे सकते हो जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तब, या फिर पहले डिक्लेयर कर लो और फिर पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर डायरेक्टली आपको क्या करना है, प्रिंट एफ करना है कि यूजिंग पॉइंटर का, मतलब पॉइंटर का वेरिएबल यूज कर, पॉइंटर वेरिएबल यूज करके आप कैसे उस वैल्यू को एक्सेस करते हो। तो मैंने कहा कि स्टार पीटीआर इज इक्वल टू परसेंट डी, तो कॉमा स्टार पीटीआर। ओके डन, तो कुछ नहीं, इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। यस ओके, स्टार पीटीआर इज इक्वल टू 10, तो हमने इसे एक्सेस कर लिया है। ओके डन, तो अब हमें क्या देखना है, ये तो हो गया स्टैटिक अलोकेशन क्योंकि वेरिएबल को ऑलरेडी मेमोरी अलोकेट हुआ था। तो डायनेमिकली मेमोरी कैसे अलोकेट करोगे, तो उसके लिए आपको यूज करना है मैलॉक फंक्शन, राइट? तो मैलॉक फंक्शन यूज करना है, तो ऑब्वियसली आप इसको हटा दो क्योंकि डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करना है। ओके, तो ये जो मेमोरी अलोकेट होगा वो कौन करेगा, मैलॉक फंक्शन। ओके, तो मैलॉक का मैं यहाँ ऊपर आपके लिए जस्ट उसका जो प्रोटोटाइप है वो लिख देती हूँ ताकि आपको उसे कॉल कैसे करना है वो समझ में आ जाए। ओके, और यहाँ पे होता है उसका साइज अंडरस्कोर टी, या फिर साइज, जो साइज होगा आपका, ये है एक्चुअली साइज होगा, किसका साइज होगा, हाँ जो आपने सिंपल पॉइंटर किसके लिए है, इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो ऑब्वियसली वो इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करने के लिए कितना ब्लॉक लगेगा, इंटीजर साइज का, तो वो साइज आपको यहाँ देना है। ओके चलो, तो मैलॉक फंक्शन को कॉल करो, यहाँ देना पड़ेगा साइज ऑफ इंट, और यहाँ आप मैलॉक क्या रिटर्न करता है, वॉइड स्टार, लेकिन अपना पॉइंट कौन से टाइप का है, पॉइंटर जो है, सॉरी अपना पॉइंटर जो है वो कौन से टाइप का है, इंट स्टार। तो डायरेक्टली यहाँ बोलोगे आप इंट स्टार, तो वो मेमोरी अलोकेट कर देगा। अब आप अगर स्टार पीटीआर इज इक्वल टू 10 करते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो, क्यों, लेकिन अगर आपने ये मेमोरी अलोकेट नहीं किया होता और डायरेक्टली स्टार पीटीआर इज इक्वल टू 10 करते तो वो आपको एरर देता। तो अभी अब वो 10 स्टोर करेगा, देखो 15 बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा चेंज। चलो तो अभी वापस रन करके देखते हैं, 15। ओके, यही चीज़ अगर आपने, यही चीज़ वो एरर वाला चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, सपोज आपने इन स्टार पीटीआर किया और डायरेक्टली स्टार पीटीआर इक्वल टू कर रहे हो तो आपको, ठीक है देखा, ईएक्सएस स्टॉप वर्किंग, क्योंकि मेमोरी अलोकेट ही नहीं किया आपने और उसको वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि देखो ना यहाँ ये मेमोरी अलोकेट ही नहीं होगा, ये ब्लॉक अलोकेट ही नहीं, तो तब तक इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करोगे। स्टार पीटीआर बोल रहे हो तो यहाँ पे जो एड्रेस है जो कि है ही नहीं अभी, तो उसको आप वैल्यू देने का ट्राई करो तो ऑब्वियसली वो ईएक्सएस स्टॉप रनिंग और मेमोरी का इश्यू हो जाएगा। इसलिए अच्छे से अलोकेट करो एंड देन यू असाइन। ओके, तो ये फिर आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्टैटिक अलोकेशन कैसे होता है, डायनेमिक अलोकेशन कैसे होता है। ओके गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय कोडिंग, कीप कोडिंग।